नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं बिहार के भागलपुर जिले के रंगड़ा चौक प्रखंड के पंचायत तीनटंगा दियरा उत्तरी में। ये जो शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यहाँ के मुखिया जी दिनकर दास जी हैं, सिकंदर दास जी हैं। और 18 से 19 माह हो गए इनको चुनाव जीते हुए। इन बीते वर्ष में इन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनको विकास कार्य करने में। रुक करते हैं और जानते हैं इनकी पंचायत की समस्या को। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार झारखंड न्यूज चैनल में। हमारी पंचायत की समस्या जो है, यहाँ जो भी योजना था वह सारा सब खर्च कर दिए हैं और काम किए हैं, सड़क नाला और पंचायत भवन, रंगमंच का पुताई। किस किस फंड से किए, 15वीं से क्या क्या विकास हुआ आपके पंचायत में? 15वीं से नाला बना और सड़क का रिपेयरिंग हुआ, सड़क बना और रंगाई पुताई हुआ और सस्ती से भी एक सड़क बना और सोखा, जो कि स्वच्छता अभियान में आता है, सोखा पंचायत के अंदर जी बना है। मनरेगा से भी कुछ विकास किए हैं? मनरेगा से भी इधर अभी किए हैं, सड़क 3 पार्ट में बनवाए हैं और पोखर 2 बनवाए हैं और ये 11 यूनिट में वृक्षारोपण करवाए। पंचायत सरकार भवन है आपके पंचायत में? नहीं, पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ नहीं है, उस प्रोसेस में है, अब आगे कब तक बनेगा। जगह वगैरह का माप वगैरह हो गया आपके पंचायत में? हाँ, पंचायत सरकार भवन के लिए सरकार के पास कागज आप दे दिए? हाँ, जगह जो है ना, जमीन का सारा कागजात हमारे DCR साहब आए और जांच उच करके अपना रिपोर्ट ADM ऑफिस भेज दिए। वहाँ आने के बाद वह जमीन रजिस्ट्री होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। यानी ADM ऑफिस में ही कार्य रुका हुआ है, वहाँ से ADM ऑफिस से आपका पेपर निकलेगा तो आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो जाएगा? पहले रजिस्ट्री होगा जमीन, पंचायत सरकार भवन के नाम से, बिहार सरकार के नाम से वो रजिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग, वह किसी के नाम से जमीन है, उसके बाद जो है प्रक्रिया में जाएगा। अच्छा मुखिया जी, जल नल की कैसी स्थिति आपके पंचायत में? जल नल की स्थिति तो बहुत दयनीय है, पंचायत PSD से चल रहा था, हमारे यहाँ 6 वार्ड और 6 वार्ड में पंचायत से बना था और पंचायत से जो बना था ना, उसमें तो ठीक कार्य नहीं हुआ और फिल्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है और PSD में फिल्टर है लेकिन वो देख रेख सुचारू रूप से अच्छा से नहीं हो रहा है। नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आपके पंचायत में धरातल पे नहीं है? नहीं, सब धरातल पे है लेकिन वह काम जो है सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। यानी अफसर सही है, यानी JEE वगैरह नहीं सुनते हैं? नहीं, JEE तो कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, कभी यही वो नहीं करते हैं यहाँ, यानी कभी मिलने भी नहीं आते हैं। मुखिया जी, आपके पंचायत में क्या क्या समस्या है? कभी समझते ही नहीं कि मैं एक प्रतिनिधि, एक मुखिया हूँ, जो हमारा पंचायत है, जनता ने हमें चुना है। तो कभी नहीं मिलने के लिए आया, न JEE न AE और जो कि PhD के SDO है उससे बात कभी करते हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं ठीक है करवा देते हैं, बस इतना ही बात होता है। मौखिक रूप में है, लिखित रूप कुछ नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है मुखिया जी आपके पंचायत में? स्वास्थ्य के रूप स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन भवन नहीं है और सामुदायिक भवन में चलता है। आप चाहेंगे कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का जो भवन निर्माण हो वो जल्द से जल्द हो जाए? जी जी, इसके लिए आपने लिखित आवेदन दिया है? लिखित आवेदन भी दिए हैं और हमने पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन भी उपलब्ध है, उनके नाम से रजिस्ट्री किया गया है जी, वो सब प्रेजेंट है जमीन खाली पड़ा। तो मामला किस जगह पे उलझन फंसा हुआ, किस जगह पे है? वहाँ पर अटका हुआ काम, वही उप स्वास्थ्य केंद्र है और चलता है यहाँ समुदाय भवन में चलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को आवास दिलवाए हैं जब से आप 18 से 19 माह में इस पंचवर्षीय में मुखिया बने हैं? इस पंचवर्षीय में अभी तो अगले पंचवर्षीय का लिस्ट बना हुआ था जी, उस लिस्ट में लगभग
125 को मिल चुका है और आधा अभी नहीं मिला, नया चयन अभी नहीं हुआ, जो कि नया होना चाहिए सही ढंग से, चयन होने के बाद उनको मिलना चाहिए, वो सब अभी बाधित है और पंचायत के अंदर वही 125 मिला है। इसमें कोई दलाल के भी लोग हैं आपके पंचायत में जो लाभुक से पैसे की मांग करते हैं? दलाल के बारे में क्या बताएंगे, हम तो सारा ओके कर देते हैं, उसके बाद जो है ना यहाँ की जो इंदिरा आवास सहायक है वो आती है और काम सब करवाती है, वो पैसे करवाती है, वो बताती है कि हम पैसा वैसा का कोई बात नहीं। आज तक ऐसा हुआ है पकड़ी तुम्हें वो घूस लेते हुए पकड़ाया गया है आपके पंचायत में या नहीं? नहीं ऐसा बात नहीं है। ग्रामीणों द्वारा कोई शिकायत नहीं आया है कि हमसे पैसा की मांग किया जा रहा है? गरीब ग्रामीण से कभी शिकायत नहीं हुआ जी, और ऐसे कहता है कि उनसे इतना पैसा ले लिया उनसे, लेकिन कोई रुक हमारे पास कहने के लिए नहीं है अभी तक। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पंचायती राज मंत्री से क्या मांग रखना चाहते हैं अपने पंचायत के विकास को लेकर के? हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन जाए बन जाए, और हमारे यहाँ तो सब जगह गली में हर जगह सड़क बना हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वही बाढ़ के चलते यहाँ हम चाहते थे सरकार से मांग की करारी तिनडंगा है, 3 पंचायत यहाँ है और ये रिंग बॉन्ड अगर हो जाता है तो हमारी बाढ़ से सुरक्षित रहेगा हमारे। ये थे मुखिया जी भीमदास टोला के, और इनके पंचायत की जो मूल समस्या है वो बाढ़ पीड़ित कटाव को लेकर के है। ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचे और इनकी जो बाढ़ की समस्या है कटाव को लेकर के वो जल्द से जल्द धरातल पे आए, और इनकी पंचायत की मूल समस्या है इनके पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है जो विकास कार्य में काफी बाधा आती है। कैमरामैन गौरव के साथ अमित कुमार, बिहार न्यूज।